हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और इकाइनोडर्मेटा के लार्वा की स्टडी हम कर रहे हैं। उसी क्रम में हम ले रहे हैं आज ऑरिक्यूलेरिया लार्वा। ऑरिक्यूलेरिया लार्वा इकाइनोडर्मेटा की क्लास होलोथुराइडिया का लार्वा है। होलोथुराइडिया में कौन से सदस्य आते हैं? कॉमन नेम है इनका सी कुकुम्बर, यानी समुद्री खीरे। खीरा कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। अब आपको इसका स्ट्रक्चर ध्यान में आ गया होगा, सिलेंड्रिकल है। यहाँ पर जो है टेंटिकल्स होते हैं और श्वसन के लिए इसमें क्या पाया जाता है? रेस्पिरेटरी ट्री। तो हम पढ़ रहे हैं ऑरिक्यूलेरिया लार्वा, जो इकाइनोडर्मेटा की क्लास होलोथुराइडिया का लार्वा है। होलोथुराइडिया में कॉमन क्या आते हैं? सी कुकुम्बर, कॉमन नेम है इनका समुद्री खीरे। अगर ये आता है तो आपको ये डायग्राम बनाना है और ये कमेंट करने हैं। तो सबसे पहले हम कमेंट ले लेते हैं। सबसे पहले हम यही लिखना है कि ये क्लास होलोथुराइडिया का लार्वा है। सिंगल सिलिएटेड बैंड होता है इसमें, एक सिलियरी बैंड होता है जो प्री ओरल एंड एनल लूप बनाता है। यहाँ ये जो येलो कलर का दिखाया गया है, ये येलो कलर का जो है ये सिलिएटेड लूप है, सिंगल है और ये प्री ओरल यानी माउथ से आगे वाला पार्ट प्री ओरल वाला पार्ट है और ये एनस को घेरते हुए जो पार्ट है ये है एनल लूप। तो इसका स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या हो गया? सिंगल सिलिएटेड बैंड फॉर्म्स प्री ओरल एंड एनल लूप। माउथ से आगे का प्री ओरल लूप बन गया और ये एनस वाले पार्ट का क्या बन गया? एनल लूप। इसमें कोई आर्म्स नहीं है, यहाँ कोई आर्म्स नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट है, फ्री स्विमिंग है, पिलाजिक है और लगभग 0.5 mm से 1 mm लेंथ इसकी होती है और इसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, यानी माउथ और एनस कंप्लीट बन चुका है। माउथ के बाद में इसोफेगस स्टमक के बाद में इंटेस्टाइन और ये एनस जो किससे बनती है? ब्लास्टोकोर से बनती है और इसके अंदर एंडोस्केलेटन डेवलप हो चुके होते हैं कुछ, जो क्या है ओसाइकल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके अलावा इसमें एंट्रोसिलोम यानी सिलोम भी जो है फॉर्मेशन हो चुकी होती है कुछ जगह पर, जैसे सोमेटोसील स्टमक के दोनों साइड में, हाइड्रोसील और ये हाइड्रोपोर। तो ये चीजें हमें इसमें मेंशन करनी है। ये जो पॉइंट है ट्रांसपेरेंट और फ्री स्विमिंग और पिलेजिक, ये वाला पॉइंट हम इकाइनोडर्मेटा के जितने भी लार्वा डिस्क्राइब करेंगे उसमें हम आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके लिए जो है कमेंट है कि दे आर ट्रांसपेरेंट, फ्री स्विमिंग एंड पिलेजिक, ठीक है। और एलिमेंट्री कैनाल भी लगभग सब में एनस तक का फॉर्मेशन हो चुका होता है, क्योंकि एनस किससे बनती है? ब्लास्टोपोर से बनती है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारे आता है ऑरिक्यूलेरिया लार्वा तो हमें ध्यान रखना है इट इज अ लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा क्लास होलोथुराइडिया, सिंगल सिलिएटेड बैंड जो बना रहा है प्रीओरल लोब एंड एनल लोब। अब इसका डायग्राम मैं आपको बनाना बता देती हूँ, जो बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इसमें और थोड़ी सी प्रैक्टिस में आप इसका बढ़िया सा डायग्राम बना सकते हैं, जिससे आपको इसके कमेंट भी आराम से याद हो जाएंगे। अगेन सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? बायलेटरल सिमेट्री मेंटेन करनी है, तो हम एक लाइन ड्रॉ कर दें और सबसे पहले हम क्या बनाए? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में हमने ये माउथ बना दिया, माउथ के बाद में ये ईसोफेगस वाला पार्ट और कंटिन्यू ही हम बना दें इससे, थोड़ा सा चौड़ा कर दें, कंटिन्यू हम बना दें इससे स्टमक वाला पार्ट। स्टमक वाले पार्ट में है इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ होते हुए, यहाँ पर एनस। तो ये बन गई हमारी एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ देखिए आप, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, एनस हो गया, ठीक है। अब हम जो है इसके सिलियरी बैंड ही पहले बना लें। सिलियरी बैंड एक ही होता है तो सिंगल हमें बनाना है। पहले हम बना लेते हैं प्री ओरल लूप। प्री ओरल लूप यानी कि माउथ के नीचे से शुरू होकर के और ऊपर की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखिए आप, यहाँ ऊपर की तरफ जाकर के लगभग सेंटर वाला जो पॉइंट है यहाँ पर ऊपर की तरफ जाकर के बाहर से अंदर की तरफ हम लेकर आएंगे इस तरह से। ये बाहर से अंदर की तरफ, क्योंकि सिंगल है तो ये यहां से हमें इसको इस तरह से दिखाना है। यहां लाकर एक बार आप इसको छोड़ दें, इसी तरह से यहां पर ये हम ले जाएं और बाहर से अंदर की तरफ लाते हुए इतना बनाकर हम छोड़ दें,
ये हो गया प्री ओरल वाली साइड, प्री ओरल वाली साइड। अब हम बना ले एनल लूप वाली साइड। एनल लूप यानी ये नीचे की तरफ आएगा, ये इस तरह से लेकर के स्टमक को घेरते हुए और यहाँ थोड़ा सा एंगल दे दे, इस तरह से स्टमक को घेरते हुए और यहाँ हम इसको एंगल ला करके छोड़ दे। अब हमें इसको कनेक्ट करना है क्योंकि सिंगल है, तो यहाँ हम थोड़ा सा उभार दें, उसके बाद इसके बाहर से लेते हुए इसको जोड़ दें। इस तरह से यहाँ हम थोड़ा सा उभार दें और इसके बाहर से लेते हुए इसको जोड़ दें, ठीक है। ये बन गया सिंगल लूप। अब यहाँ हमने इसको कनेक्ट कर देना है। अब हम इसमें सिलाई बना लें, अब हम इसमें सिलोम बना लें, तो हाइड्रो सिलोम और सोमेटो सिलोम। स्टमक के दोनों तरफ में सोमेटो सिलोम और हाइड्रो सिलोम, यहाँ पर ये इसोफेगस के यहाँ पर हाइड्रो सिलोम, यहाँ एक हाइड्रो पोर बना लें। अब हम इसमें सोमाइट्स बना लें बीच बीच में, यहाँ सोमाइट बना लिया, यहाँ सोमाइट बना लिया, यहाँ सोमाइट बना लिया और यहाँ सोमाइट बना लिया। सोमाइट हम इस तरह से बना लें, बस ये हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, आसानी से बन जाएगा। ये मेथड आपको बताई दिया, यहाँ थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जब हम इसको ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ पहले बाहर लें, फिर अंदर से घुमाते हुए बाहर लेकर के आए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ नीचे यही एक बार छोड़ करके ये नीचे वाला पार्ट बना लें, ये शेप स्टमक के इसके हिसाब से आ जाएगी, फिर हमें ऊपर का बना लेना है। तो इस तरह से जो है हमारा ये डायग्राम कंप्लीट है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।